बिहार की जनता के साथ जिस प्रकार का विश्वासघात किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से विश्वासघात किया गया है, विकास के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया गया है, स्पष्ट हो गया है कि इनको बिहार के आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। लेकिन घबराइए मत, बिहार की जनता के साथ हम खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज बैठक कर रही है। बिहार के प्रमुख नेताओं की बैठक आज शाम केंद्रीय कार्यालय में होगी और भावी रणनीति भी तैयार की जाएगी, क्योंकि बिहार के साथ हम किसी प्रकार का छलावा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, निरंतर बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध रहे हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि यह सरकार जो तेजस्वी नीतीश जी की सरकार है, यह सरकार के खिलाफ हम सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे और जब चुनाव आएगा तो परिणाम बता देगा, चेहरा साफ हो जाएगा कि बिहार के विकास के प्रति कटिबद्ध लोगों को किस तरह से आपने बाहर किया है। और जहां तक अपमान और सम्मान की बात हो रही है, तो अपमान और सम्मान तो उन्हें खुद तय करना है कि 15 साल बुरा हाल, उसके बारे में आप क्या बताएंगे, जंगल राज के बारे में क्या बताएंगे। तो इन सब चीजों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना होगा। लेकिन आज की शाम भारतीय जनता पार्टी अपनी जो महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, उसके बाद बिहार में एक व्यापक जन आंदोलन, भावी रणनीति भी हम तैयार करने जा रहे हैं।